नमस्कार दोस्तों, शिवांश के गैजेट में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह हम इस बार लाए हैं आपके लिए एक नया गैजेट जो कि है बोया का माइक। चलिए इसका रिव्यू करते हैं। इसका मॉडल नंबर है BY-M1। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी वीडियो के लिए जितनी ज़रूरी उसकी वीडियो क्वालिटी है उतनी ही ज़रूरी उसकी साउंड क्वालिटी भी होती है। और जनरली जब हम लोग कैमरे से या मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते हैं और हमारे पास कोई अच्छा माइक नहीं होता है तो बहुत इको की आवाज़ आती है। ये माइक इस प्रॉब्लम को दूर करता है। 90% लोग इसी को यूज़ कर रहे हैं और अपनी रेंज में ये बहुत ही सस्ता माइक है। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। तो इस तरीके के ये बहुत सिंपल से पैक में आता है क्योंकि इसका रेट लगभग 650 के करीब में है अमेज़ॉन पे। तो बहुत बड़ी कोई इससे हम पैकेज की उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं पैकेजिंग की। ये पीछे इसके सारे स्पेसिफिकेशंस हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं। तो इसके अंदर निकलता है ये रबर का पाउच, जिसके अंदर है ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये है 20 फीट लंबी केबल, जिसको आप कितनी भी दूर से चाहें रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और ये है इसका माइक। और ये आप कहीं पे भी क्लिप लगा सकते हैं, ये क्लिप है इसकी। सपोज़ आपको शर्ट का पीछे पैंट पे या कहीं पे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन है, अगर आपको कैमरे में कनेक्ट करना है तो आपको ये बटन यूँ करना होगा, अगर आपको स्मार्टफोन में कनेक्ट करना है तो आपको बटन यूँ करना होगा। बहुत सिंपल सा है। और इसको खोल के देखते हैं। यहाँ पे बैटरी का ऑप्शन है जो साथ में दी गई है। ये पाउच साथ में आता है। और ये है माइक का कवर, जिसको हम माइक के ऊपर बस सीधे धीरे से लगा लेंगे। दोस्तों, इससे क्या होता है कि जो आप इसको कॉलर के पास में लगा रहे हैं तो जो आपकी भी वॉइस के साथ में जो हवा आती है, जैसे कि फा फा इस तरीके की जो आवाज़ आती है, वो इससे स्कैन हो जाती है, निकल जाती है। या फिर अगर आप आउटडोर में भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हवाएँ जो चलती हैं वो डायरेक्ट माइक के पर्दे पर नहीं आती हैं, तो जिससे उसमें भी काफ़ी नॉइस जो है वो क्लियर छन जाती है और आपके जो क्लियर वोकल्स हैं वो रिकॉर्डिंग में शुरू होते हैं। इसी के साथ में ये क्लिप है, इसको आपने सिंपल ये माइक में फंसा लेना है, खाली यूं करके इसको सिंपल आपको माइक में फंसा लेना है और किसी भी शर्ट के कॉलम में या फिर जहाँ पर भी आपको लगाना है आपने सिंपल यूं किया और ये लग जाएगा। शर्ट में, टी शर्ट में, कहीं पे भी आपको लगाना है, बस सिंपल ऐसा करके ये लग सकता है। तो ये इजी टू कैरी है। और मैं बात कर रहा था बैटरी की, ये एक एल्कलीन बैटरी है जो साधारण किसी भी घड़ी वगैरह में लगती है। इसको आपको बस ऐसे खोल के इसमें लगा देना है। दोस्तों, काफ़ी बड़ा इसका लीड है। बस थोड़ा सा इसका प्रो कॉन्स में जाएंगे तो इतनी बड़ी लीड को कैसे मैनेज करेंगे। अगर हम सपोज़ जैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ रूम में तो मुझे इतना ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका एक ही हम कर सकते हैं कि इसके जो केबल है इसको हम बीच में थोड़ा सा इस तरीके से इसको बांध के भी रख सकते हैं ताकि बहुत ज़्यादा ये फैले ना। ये जो जैक है ये मोबाइल के लिए है, सिंपली आप इसमें लगा देंगे और रिकॉर्डिंग मोबाइल से शुरू हो जाएगी। इसके अलावा सपोज़ अगर आप किसी बड़े माइक में या एम्पलीफायर में लगा रहे हैं तो ये 3.5 mm का जैक है, इसको आपने यूँ लगा दिया तो ये वैसे भी कनेक्ट हो जाएगा। लैपटॉप में भी लगा सकते हैं, DSLR कैमरेज में लगा सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग सब में कर सकते हैं। तो आइए अब इसकी टेस्टिंग करते हैं।
दोस्तों ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं मोबाइल के माइक से, देखिए इसमें कितनी इको की आवाज़ है। और इसके बाद अब हम टेस्ट करते हैं बोया का BY-M1 माइक। तो दोस्तों ये रिकॉर्डिंग जो मैं कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ बोया के BY-M1 माइक से, और आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। 90% यूट्यूबर्स जो कम से कम मेरी तरह अभी जिन्होंने शुरुआत करी है वो इसी माइक का यूज़ करते हैं। प्रोफेशनल यूट्यूबर्स भी, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं अगर आप देखेंगे, जो इंडिया में हैं, USA में हैं, वो भी इसका यूज़ करते हैं। अगर आप कहीं बाहर भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इतनी लंबी केबल है, तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। कराको साउंड में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत माइक है, 700-650 रुपये में इतना खूबसूरत आपको रिकॉर्डिंग के लिए माइक्रोफोन मिलना मुश्किल है। दोस्तों आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसको सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए हर दिन हर वीक कुछ ना कुछ नया लाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम आपको एक क्वालिटी कंटेंट दें। इसलिए आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है कि आपको हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और हाँ बेल बटन जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।